हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओवरटेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉडा कोशाक की, जो कि लॉन्च हो चुकी है, कि क्या प्राइसिंग इसकी रखी गई है और क्या फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिएगा। सबसे पहले इंजन ऑप्शंस के साथ शुरू करते हैं। इसमें आपको 1 लीटर का TSI इंजन मिलता है, 1.5 लीटर TSI इंजन पेट्रोल में दोनों मिलते हैं। एंड पावर टॉर्क फिगर्स की बात करें तो ये 115 PS की पावर जनरेट करता है इसका 1 लीटर TSI इंजन, और जो 1.5 लीटर TSI इंजन है वो तो अल्टीमेट लेवल है, जो कि 150 PS ऑफ पावर जनरेट करता है। इसमें मैनुअल जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, और DSG गियर बॉक्स भी आपको मिलता है, जो कि 1.5 TSI के साथ आता है, वो 7 स्पीड DSG आता है। और 1 लीटर TSI में आपको मिलता है ऑटोमेटिक, जो कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, और 1 लीटर में मैनुअल भी आता है, जो कि आपका नॉर्मल 6 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स होने वाला है। लेकिन मैं बता दूं कि ज़्यादातर लोग 1 लीटर पर ही जाने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 1.5 लीटर भाई बहुत अल्टीमेट पावर देता है और माइलेज उससे आप 0 एक्सपेक्ट करके चलें, बहुत कम माइलेज वो गाड़ी देगी। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसमें 3 मॉडल दिए गए हैं, बेसिकली एक्टिव मॉडल, एम्बिशन मॉडल, स्टाइल मॉडल। एक्टिव मॉडल जो है इसका वो बेस मॉडल है, एम्बिशन इसका सेकेंड बेस यानी मिड वेरिएंट है, एंड स्टाइल मॉडल जो है इसका वो टॉप ऑफ द लाइन है। अब बात करते हैं कि कौन सा मॉडल किस इंजन के साथ मिलता है। तो बेस मॉडल जो है आपका एक्टिव वो है 10,49,999, मतलब 10,50,000 रुपए का, लेकिन इसमें सिर्फ एक इंजन मिलेगा आपको, वो है 1 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें ना आपको ऑटोमेटिक मिलेगा 1 लीटर, ना 1.5 का मैनुअल, ना 1.5 का DSG। अब आते हैं मॉडल सेकेंड जो है मिड वेरियंट एम्बिशन, उसके अंदर आपको 1 लीटर का मैनुअल भी मिल जाएगा और 1 लीटर का ऑटोमेटिक मिलेगा, बस 1.5 नहीं मिलेगा। तो एम्बिशन आपको पड़ेगा 12,80,000 एक शोरूम, एंड ऑटोमेटिक आपको पड़ेगा 14,20,000 का एक शोरूम। तो ऑटोमेटिक में भाई जब जाएंगे आप सेम एम्बिशन के ही अंदर, आप 1 लीटर मैनुअल से 1 लीटर ऑटोमेटिक शिफ्ट होते हैं, तो जो प्राइस डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे शिफ्ट होना जरूरी है आपके लिए, इसकी जगह आप 1.5 पे जाओ या एक वेरियंट ही अपग्रेड मार लो, वो ज्यादा बेहतर है। तो एम्बिशन से अब स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल में आपको मिलता है आपको चारों इंजन ऑप्शन ट्रांसमिशन सब मिल जाता है। स्टाइल में आपको 1 लीटर मैनुअल भी मिलेगा, ऑटोमेटिक भी मिलेगा, 1.5 मैनुअल एंड 1.5 DSG भी मिलता है। स्टाइल आपको पड़ेगा 14,60,000 एक शोरूम। देन स्टाइल का जो ऑटोमेटिक है वो पड़ता है 15,80,000 एक शोरूम। स्टाइल का जो मैनुअल है 1.5 लीटर में वो पड़ता है 16,20,000 एक शोरूम। एंड स्टाइल का जो 1.5 लीटर में DSG है टॉप ऑफ द लाइन एंड सबसे भयंकर ट्रांसमिशन ऑप्शन, वो पड़ता है आपको 17,60,000 रुपए का एक शोरूम। अब बात कर लेते हैं भाई रिलायबिलिटी की। कुछ लोग पूछेंगे या फीचर्स वगैरह पूछने वाले हैं कुछ लोग कि फीचर्स कैसे हैं इसके अंदर। तो फीचर्स इसके अंदर आपको सभी देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन एक बात का जो आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इसके अंदर आप लोगों को जो सर्विस कॉस्ट आने वाली है वो काफी ज्यादा आने वाली है। इनफैक्ट क्रेटा सेल्टोस और बाकी जो भी आप देखते हैं, जैसे कि किक्स हो गई, आपकी डस्टर हो गई, इन सबसे ये कॉम्पीट करती है गाड़ी। तो उनके जो डीजल इंजन की सर्विस कॉस्ट आती है वो इसके 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में सर्विस कॉस्ट आ सकती है, क्योंकि स्कॉडा आती है VW के अंदर। VW हमेशा से इंडिया में जाना गया है अपनी प्रीमियमनेस को लेके, तो अगर वो गाड़ी की क्वालिटी में प्रीमियमनेस देता है तो सर्विसिंग में भी वो प्रीमियम चार्जेस डेफिनेटली ले लेता है। अब बात करते हैं कि ये गाड़ी आपको क्यों ले लेनी चाहिए। भाई ये चीज यहाँ पे सिर्फ ये गाड़ी वो लोग ले सकते हैं जिनको शहर में चलना है, छोटी गाड़ी चाहिए लेकिन प्रीमियमनेस चाहिए, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। क्योंकि प्रीमियमनेस जो आपको मिलती है वो बड़ी गाड़ियों में मिलती है, छोटी गाड़ियों में प्रीमियमनेस पाना एक मुश्किल फैक्टर आ जाता है। इसका इंटीरियर जब आप देखते हैं तो काफी प्रीमियम है, जो डैशबोर्ड फिनिशिंग दी गई है, गियर बॉक्स पे फिनिशिंग दी गई है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है, जो स्टीयरिंग व्हील है, डिजाइन है डैशबोर्ड का, जो भी लाइन क्रीजेस, इंटीरियर डेफिनेटली सबसे मेन तो इंटीरियर है। क्वालिटी, बिल्ड, फिट फिनिश ऑफ मटेरियल, सारी चीजें टॉप ऑफ द नॉच मिलेंगी आपको। ऐसी फिनिश फिट आपको इस तरह की गाड़ियां छोड़िए, आप क्रेटा सेल्टोस छोड़िए, उससे एक सेगमेंट ऊपर भी आप जाते हैं ना MPV वगैरह पे, वहां भी ऐसी फिनिशिंग आपको देखने को नहीं मिलती है जो आपको स्कॉडा इस प्राइस पॉइंट पे दे रहा है। कट बस वहां पे कर रहा है इसके फिजिकल लुक्स के ऊपर। ये गाड़ी उतनी चौड़ी नहीं है, उतनी लंबी नहीं है, उतनी हाइट में नहीं है जितना क्रेटा सेल्टोस आपको मिल जाती है। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि हेक्टर और हैरियर वगैरह भी आ सकती है जितने में इसका टॉप मॉडल आता है, लेकिन जो फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं, जो वही बात है क्वालिटी मिलती है, वो आपको उन सब गाड़ियों में नहीं मिलने वाली है। एक बार आप इसको आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब बैठ के इसके स्टेयरिंग को आप पकड़ के देखेंगे, वहीं पे आप समझ जाएंगे कि पैसे किस चीज के लिए जा रहे हैं आप लोगों से
से। और इसके अंदर जो कलर्स मिलते हैं, कलर्स भी मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स इसके अंदर आप लोगों को दिए गए हैं। जैसे कि एक व्हाइट आता है, एक इसमें ब्लैक टाइप का दिखता है, एक आपका ऑरेंज है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड दो कलर्स और हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, सो वो मैं मेंशन कर दूंगा आप लोगों को। तो यही था फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये गाड़ी कैसी साबित होगी इंडियन मार्केट में, अच्छी चलेगी बुरी चलेगी, अगर चलेगी तो क्यों, नहीं चलेगी तो क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती है, देखने की बात है कि आप लोग भी कैसा रिस्पॉन्स देते हैं एज अ बायर पोटेंशियल कस्टमर। सर्विसिंग इसका एक इशू है, बाकी सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर टॉप ऑफ द नॉच है। सो थैंक्स, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।